नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने करीबन 60 से 70 क्वेश्चंस ऐड किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एग्ज़ाम को यानी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद, ये तो सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, अगला है 16-yard हिट पद किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ये जो पद ये जो शब्द आते हैं खेल से रिलेटेड जो भी नाम आते हैं, जैसे यहाँ पे 16-yard हिट है ऐसे करके पद का नाम है, तो ये सभी याद रखें। फ्रेंड्स, जो भी पद जो भी शब्द खेल से रिलेटेड है उन्हें जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का हॉकी, ठीक है। 16-yard हिट पद जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंजलि भागवत, ठीक है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर का शूटिंग, ठीक है, राइफल शूटिंग से संबंधित है अंजलि भागवत, ठीक है। अगला है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी मलेशिया देश करता है, ठीक है, मलेशिया देश जो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बास्केटबॉल से। अगला है, अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंध है, यानी कि वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से संबंधित है अलका तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर से आ गया शब्द, फिर से आ गया पद, यानी कि खेल से संबंधित जो भी शब्द जो भी पद है उन्हें जरूर याद रखें। तो आयरन शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, आयरन शब्द जो है गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसे जरूर याद रखें। अगला है, आसफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा एथलेटिक्स से, 100 मीटर दौड़ में, ठीक है, आसफा पावेल किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी कप जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, इंदिरा गांधी कप मुक्केबाजी से संबंधित है। इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे फिर से आ गया फ्रेंड्स शब्द खेल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर होगा विलियर्ड्स से संबंधित है, इन ऑफ जो है विलियर्ड्स से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें क्योंकि आपको यहाँ से अंक मिलेंगे। अगला है, इवेटा बेनसोवा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चेक गणराज्य। अगला है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल का संबंध है, यानी कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट में दिया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, उधम सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो उधम सिंह जो है हॉकी से संबंधित है। अगला, एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो एशियाई खेल का जो नामकरण किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला है, एस किस खेल से संबंधित है? एस जो है किस खेल से संबंधित है शब्द है? तो इसका राइट आंसर लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है एस शब्द, ठीक है। अगला है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश 1920 में हुआ, ठीक है, 1920 में। अगला है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल पर जो है आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8, ठीक है, 8 जो है होता है ओलंपिक खेल के स्विमिंग पूल में लेन, ठीक है, लेन। अगला है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य किरण से। नेक्स्ट है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक म्यूजियम जो है लोसाने में स्थित है, और ये लोसाने कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये है स्विट्जरलैंड में। अगला है, ओलंपिक शब्द जो है ओलंपस से बना है, ओलंपस क्या है? तो ओलंपस जो है यूनान का एक पर्वत है,
ओलंपस क्या है, यूनान का एक पर्वत है जिससे कि ये ओलंपिक शब्द बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ओवल स्टेडियम। ओवल स्टेडियम जो कि लंदन में है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से, ठीक है। ओवल स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रीय खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। राष्ट्रीय खेल और खेल में खिलाड़ियों की संख्या भी। अगला है कि कारा ब्लैक, कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे के हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं कारा ब्लैक। अगला है किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो किंग्स कप जो है वायुसेना के रेस में दिया जाता है। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला है किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विजडन, ठीक है। विजडन को जो है पत्रिका को, यानी कि विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसने, यानी कि किसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है ये राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी विश्व, यानी कि किसी भी विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली भारतीय, यानी पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि कैटरीना श्रीबोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्लोवाकिया, ठीक है। कैटरीना श्रीबोटनिक ये जो है स्लोवाकिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला है कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो कौन सा पुरस्कार जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ICC पुरस्कार, ठीक है, ICC पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा हॉकी खिलाड़ी दादा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्यानचंद। अगला है क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिलियर्ड से, ठीक है, क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। अगला है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला है खेल, यानी क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल सारहाजा किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। सारहाजा किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है फ्रेंड्स? श्रीलंका में है, ठीक है। अगला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो रोनाल्डो जो है अर्जेंटीना के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है, रोनाल्डो, ठीक है। अगला है गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुगा नाम से जो है गीत सेठी को जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, ठीक है, गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। अगला है गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो पीटी उषा, ठीक है। अगला है गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? गोल्फ का जो खेल मैदान होता है फ्रेंड्स उसे कोर्स कहा जाता है, ठीक है, कोर्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्फ छेद यानी कि गोल्फ का जो छेद होता है फ्रेंड्स उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 4.5 इंच, ठीक है, 4.5 इंच होता है। अगला है ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चक्कर शब्द जो है ये पोलो से संबंधित है, ठीक है, चक्कर शब्द पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ से, ठीक है, जो चिरंजीवी मिल्खा सिंह है वो गोल्फ से संबंधित है। अगला है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चेकमेट किस खेल से संबंधित है, शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज, ठीक है, चेकमेट जो है
चेकमेट, ये जो शब्द है ये शतरंज से संबंधित है। अगला है चेज फिजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है। चेज फिजो एवं पोन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा खो खो से। अगला क्वेश्चन है जस्टिस हेनिन हॉर्डिन किस देश का से संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम से। ठीक है, जस्टिन हेनिन हॉर्डिन जो देश किस देश से संबंधित है, बेल्जियम से। अगला है जोसना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर स्क्वैश से। ठीक है, स्क्वैश से जुड़ी है जोसना चिनप्पा। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं, टाइगर वुड्स जो है यूएसए के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला है टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन को जो है ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, टेनिस में लव शब्द क्या का क्या मतलब है, टेनिस में लव शब्द का क्या मतलब है, यानी कि स्कोर जीरो है। ठीक है, स्कोर जीरो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है, विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है, अनिल कुंबले हैं। ठीक है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। अगला है डिग पास किस खेल से संबंधित शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा वॉलीबॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। डीवी देवधर किस खेल से संबंधित है, तो देवधर जो ट्रॉफी है फ्रेंड्स ये क्रिकेट में दिया जाता है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ड्यूट शब्द जो है लॉन टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से संबंधित है। अगला है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नॉकआउट जो होता है फ्रेंड्स वो किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला है नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो नायडू ट्रॉफी का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट है नेटबॉल से यानी कि नेटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, अगला है नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पटियाला में। अगला है उसेन बोल्ट जो कि जमैका के हैं फ्रेंड्स का संबंध किस खेल से है, तो उसेन बोल्ट जो एथलेटिक्स है यानी कि दौड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लियोन मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो लियोन मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। अगला है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो सुनील छेत्री जो है भारत के हैं फ्रेंड्स और ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला है नेमार किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है ब्राज़ील से यानी कि ब्राज़ील देश के हैं, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेमार जो है फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला है लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है, तो लियोन मेसी जो है फुटबॉल से संबंधित है और ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं लियोन मेसी और ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, तो राफेल नडाल जो है टेनिस से संबंधित है फ्रेंड्स और ये स्पेन के हैं। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के हैं और ये टेनिस से संबंधित है। अगला है मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। ठीक है, टेनिस से संबंधित है मारिया शारापोवा और ये रूस के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज से संबंधित है जो कि भारत के हैं। ठीक है, चलिए अगला है नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, तो नोवाक जोकोविच जो है टेनिस से संबंधित है और ये सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच टेनिस से संबंधित है और ये सर्बिया के हैं। अगला है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा मुक्केबाजी से। ठीक है, और ये भारतीय हैं। ठीक है, चलिए अगला है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है और ये किस देश के हैं, तो भारत के हैं। अगला है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है और ये किस देश के हैं, तो भारत देश के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो साक्षी मलिक जो है पहलवानी से संबंधित है। ठीक है, पहलवान ये किस देश के हैं, तो भारत के हैं। अगला है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा जो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिमनास्टिक से संबंधित है। ठीक है, दीपा कर्माकर जो है जिमनास्टिक से संबंधित है। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी किस देश यानी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा
भारोत्तोलक, ठीक है, भार को उठाने में, ठीक है। अगला है योगेश्वर दत्त, किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है कुश्ती से, यानी ठीक है, और ये भारत के हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा पहलवान से, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था इस बार आरपीएफ में। अगला है रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से, ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल ही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी त्रुटि लगी, अगर आपको अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी चीज़ पे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।